भोपाल में M3 ग्रुप ने वो जब याद आए बहुत याद आए संगीतमय शाम का आयोजन किया। आयोजन में नए पुराने गानों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इस दौरान गायकों ने अपनी आवाज से श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। वो जब याद आए बहुत याद आए एक संगीतमय शाम थी जिसने हर दर्शक का मन मोह लिया। हर साल की तरह इस वर्ष भी M3 ग्रुप ने भोपाल के रविंद्र भवन में इस सुरीली शाम को सजाया था जिसमें कई गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। आयोजन में नए पुराने गीतों का बेहतरीन संगम रहा। यह कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की याद में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया राजेश फतेह सिंह ढाबरे, मुख्य अतिथि के तौर पर दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय, संपादक शैफाली गुप्ता, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, कौटिल्य अकादमी के डायरेक्टर राहुल रंगारे मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शंकर दयाल शर्मा के परिवार के शंभु दयाल शर्मा, ईश दयाल शर्मा और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। संगीतमयी कार्यक्रम में गीतों की शुरुआत राजेश फतेह सिंह ढाबरे ने वो जब याद आए बहुत याद आए गीत से की, जिसके बाद प्रसिद्ध गायक अरविंद दयाल शर्मा ने गीतों से समा बांध दिया। वहीं गायक अशोक सिंह, संजय शर्मा, पूर्वी सुहास, गीतिका और आयुषी के गाए गीतों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये भोपाल में रविंद्र भवन में वो जब याद आए जो प्रोग्राम हो रहा है, रफ़ी साहब के गीतों को लेकर, मैं रफ़ी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दी और रफ़ी साहब के गाने सुनने आया हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू ऑल द ग्रेट सिंगर्स ऑफ भोपाल। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब ये चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए। देखिए, दिनेश गर्ग जी द्वारा और उनकी टीम द्वारा विगत कई वर्षों से पुराने सदाबहार गीतों का आयोजन यह किया जाता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो इतना शानदार कार्यक्रम वो विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं और उनको भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम की प्रेरणा मिलती रहे और वो कार्यक्रम आयोजित करते रहें। ये प्रोग्राम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की जन्मतिथि पर हम लोग हर साल कराते हैं। कोविड के कारण 2 साल हमारा गैप हुआ है बीच में। इसमें भोपाल के जाने माने सिंगर्स, सीनियर सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, साथ में हम सोशल वर्क भी करते हैं। ये कभी व्हील चेयर हम देते हैं बच्चों को, हम स्वेटर शूज़ जो गरीब बच्चे हैं, साथ में सोशल वर्क भी हमारा चलता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन भी हमने क्रिएट की है इसके साथ ही साथ। तो दोनों संस्थाएँ M3 म्यूजिकल ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं। ये हमारा तीसरा सीज़न है, तीसरा प्रोग्राम है और आगे अगर आप लोगों की दुआ रहे तो अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आज का ये कार्यक्रम M3 ग्रुप का है और आई एम वन ऑफ देम, मतलब ग्रुप के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनमें एक मैं भी हूँ और बेसिकली तो मैं सिंगर हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है ये M3 ग्रुप हर साल आयोजित करता है और इस बार ये प्रोग्राम जो है कोरोना की वजह से थोड़ा सा मतलब 2 साल का गैप आ गया, अदरवाइज़ हर साल ये प्रोग्राम होता है और बड़े लेवल पे करते हैं हम लोग और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है, आपने देखा होगा। M3 ग्रुप की संगीतमय शाम के आयोजन को देखने बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। संगीत प्रेमी रविंद्र भवन में अपने पसंदीदा गानों को सुनने पहुंचे तो पूरा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा रहा। इस मौके पर अतिथि के तौर पर आए कौटिल्य अकादमी भोपाल के डायरेक्टर राहुल रंगारे ने आयोजन की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के आयोजक दिनेश गर्ग ने बताया कि इस संगीतमय शाम के आयोजन का दर्शकों को साल भर से इंतजार रहता है। प्रोग्राम को दर्शकों का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता आया है। कार्यक्रम के जरिए M3 ग्रुप का प्रयास रहता है कि पुराने और अनुभवी गायकों के साथ नई प्रतिभाओं को मौका मिले। वहीं आयोजन को लेकर मधुरम ग्रुप के MD सुधीर गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दर्शकों ने गायकों के गाए गीतों का आनंद उठाया। कार्यक्रम में दखल न्यूज ने मीडिया पार्टनर की भूमिका बाखूबी निभाई। आज का रविंद्र भवन में एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है जो संगीतमय प्रोग्राम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय
नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया राजेश ढाबरे साहब आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति भी यहाँ पे दी है और बहुत बड़ी अच्छी संगीतमय शाम है आज की, और सभी कलाकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है वो जब याद आए बहुत याद आए, सीजन 3, मतलब भोपाल के संगीत जगत के इस कार्यक्रम को हम आज के इस कार्यक्रम को नंबर 1 देते हैं। इसके सिंगर, इसका जो आज का जो एम्बियंस है और आज जो माहौल हमें देखने को मिला, ये तो बहुत कम भोपाल में देखने को मिलता है। बाकी जो संगीत की साधना और संगीत के बारे में जो ज्ञान होता है वो पूरे भोपाल के बड़े से बड़े कलाकार और लोगों ने जहाँ पे जो आनंद लिया है अविस्मरणीय है। ये कार्यक्रम डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी के जन्म तिथि के हिसाब से करते हैं, 19 तारीख को करते हैं, बट 19 तारीख को हमें रविंद्र भवन खाली नहीं मिल पाया था, तो आज 27 तारीख को हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और हर साल करते हैं और कई 5 साल से करते हुए आ रहे हैं। ये कार्यक्रम M3 ग्रुप करवाता है, जिसका आयोजक दिनेश गर्ग, मैं खुद हूँ, स्वयं करता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक का शौक है तो कर लेता हूँ, साल में 2 प्रोग्राम करता हूँ मैं इस टाइप के। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।